नहीं, ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, टाइम पास किया था उसमें। पहला अटेम्प्ट अपन ने लाइट ही ले लिया था, और पहले अटेम्प्ट के हाँ बाद यानी कि जब तुम दोबारा दिए तो बोध ग्रुप का तैयारी की, और बोध ग्रुप का तैयारी करके आज तुम ऑल इंडिया रैंक 31 में हो। ऐसा बोल रहे क्या? अच्छा ग्रुप वन में पास नहीं हुआ, ऑल इंडिया रैंक तो आए। पेपर देख के आपका चेहरा याद आया, बस क्वेश्चंस जो आपने कहा थे वही आए थे। यानी कि जो पहला अटेम्प्ट था वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से आप ऑल इंडिया रैंक में आए। पहले तो रट्टा नहीं मारने का, DT IDT में बच्चे बहुत के करते, प्रैक्टिकली करते रहे। इस अटेम्प्ट में बहुत भय लगा था कॉस्टिंग का पेपर ग्रुप टू का, बच्चे डर गए थे एग्जाम हॉल में। सोशल मीडिया तो पूरा ब्लॉक करो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे। हमारे साथ अब बैठे हैं ऑल इंडिया रैंक 31 रोहन कदम जी। बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, रोहन हमारे लॉ के रेगुलर स्टूडेंट है, इन्हें हमारी क्लासेस परचेस की थी। हमारा एक कॉम्बो हुआ करता था, कॉम्बो जो हार्दिक भैया के साथ हुआ करता था, उस कॉम्बो में ये इनरोल हुए हुए थे, और आज इन्हें ऑल इंडिया रैंक 31 अचीव किया है। रोहन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको कि आपका ऑल इंडिया रैंक 31 आया है। आपके घर वालों को भी बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बताइए। थैंक यू सर। यस, कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, ईमानदारी से कैसा महसूस कर रहे हैं? कब रिजल्ट देखा, घर पे क्या माहौल था, आपकी क्या फीलिंग थी, अभी कैसा महसूस हो रहा है, बताइए थोड़ा। रिजल्ट ऐसे कल आने वाला था, मतलब ऐसे हाँ जी। बहुत सारे इन्फो आए थे, पर आया तो नहीं वो कल, तो मुझे लगा कि आज शाम को आ सकते हैं, मतलब तो शाम को आता है ना रेगुलरली, तो ठीक है, मैं तो सोया हुआ था जब रिजल्ट आया था तब मैं सोया हुआ था। अच्छा आप सोए हुए थे जब रिजल्ट आया था तो। हाँ, और दोस्तों के फोन आने लगे कि रिजल्ट आया, तब मैं बेड पे ही लेटे लेटे रिजल्ट देखा मैंने, अच्छा फिर ऐसा शॉक लगा, हाँ शॉक लगा, फिर बोर्ड ग्रुप क्लियर ऐसे धीरे से स्लाइड करके देखा मैंने फोन को, पहले ग्रुप वन के सब्जेक्ट देखे, फिर ग्रुप टू हाँ में जब देखा कि सारे सब्जेक्ट में पास है, फिर वो कॉन्ग्रेचुलेशन देख के फिर नाचने लगे हाँ वही थी, फिर बोले बस, हाँ ऐसा बोले अब ये बाहर, पास हो हाँ गए बोले। हाँ फिर बेडरूम से बाहर दौड़ते दौड़ते आया, सबको बता दिया फैमिली में ये पास हो गया। ओके, तो पता कब चला और कि ऑल इंडिया रैंक 31 है करके? हाँ हाँ, और मेरे वो पास के मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे थे। हाँ, तब एक दोस्त ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन ARI 31। ओके, दोस्त मैंने ने बोला, मैसेज किया था। हाँ मैंने बोला क्या मजाक हो रहा है ये, फिर उसने मुझे हाँ रैंक लिस्ट भेजी जो इंस्टीट्यूट ठीक की है आती है ठीक साइट पे, फिर वहां पे है, मैंने अपना नाम सर्च किया तो आया 31 पर। ऐसा ओके ओके, तो फिर विश्वास हुआ कि यार लगा, अपन ऑल इंडिया रैंक आ नहीं गए नहीं करके, पहली तो बार में नहीं हुआ, तो ठीक है। हाँ तब ऐसा लगा कि सपना है भाई, कोई बिलीव हाँ ही नहीं ठीक है, हुआ पहले। फिर तो बाकी सारे सर, रोहन ऐसे अपन सोचे थे क्या कि अपने अपन ने ऐसे एक इंटेंशन रखा हुआ था क्या कि अपने ऑल इंडिया रैंक लाना ही है करके? अच्छा नहीं, ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ, पहला ओके अटेम्प्ट जनवरी में था, तब मैंने सिर्फ ग्रुप वन दिया था, ठीक है ठीक है, और वो भी ऑनलाइन लेक्चर्स, सच में बताता हूँ कि टाइम पास किया था उसमें बहुत अच्छा, टाइम पास किया था, मतलब पहला डिसिप्लिन अटेम्प्ट अपन ने लाइट ही ले हाँ लिया था, और पहले अटेम्प्ट के बाद यानी कि जब तुम दोबारा दिए तो बोध ग्रुप का तैयारी की, और बोध ग्रुप का तैयारी करके आज तुम ऑल इंडिया रैंक 31 में हो। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया, तो कैसा माहौल है फिर घर पे, घर वाले क्या कह रहे हैं, घर घर पे जब बताया तो क्या था सब रिएक्शन? बोल रहे क्या अच्छा ग्रुप वन में पास नहीं हुआ, ऑल इंडिया रैंक तो आए। हाँ, तो ये सोच रहे हैं कि बोले अच्छा हुआ तूने ग्रुप वन, एक जब इंडिविजुअल दे रहा था अच्छा हुआ तू फेल हो गया, ताकि अब तू बोध ग्रुप दिया तो तेरा रैंक आया, यानी कि जो होता है अच्छे के अच्छे लिए होता है। हाँ के लिए होता है। हाँ, ठीक ऐसा है लगा ठीक है, भगवान का प्लान अच्छा था, ग्रुप वन भगवान का में प्लान फेल अच्छा कर दिया, बोध ग्रुप देगा तो और रैंक लाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट, तो कैसा रहा सफर, मतलब क्या तैयारी की थी आपने, और लाइक अब जब से आप जब बोध ग्रुप दिए पहली बार आप फेल हुए आप बताए, फिर आपने दोनों ग्रुप दिया, तो क्या तैयारी की, कैसे प्लानिंग की थी, मतलब कोई सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा था, सोच के रखा था इतने समय क्लास हो जानी चाहिए, ऐसा रिविजन करूंगा, कैसा तैयारी रखा, कैसे एग्जाम निकाला, एग्जाम जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो क्या हुआ,
एग्जाम के एक एक दिन पहले जब तैयारी कर रहे थे तो क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए इसको 5 मिनट के अंदर। हाँ ठीक है, तो पहले तो जब वो ग्रुप वन का रिजल्ट आया हाँ तब पहले से ही पता था मुझे कि शायद नहीं होगा अच्छा, ना, पहले से पता, इसलिए ग्रुप टू के लगाए थे क्लासेस। ठीक है ठीक तो है। उसकी कोचिंग चल रही थी और अराउंड मार्च में रिजल्ट आया ना ग्रुप वन का, जनवरी ठीक का, है तो ठीक फेल है, हुआ। तो मैंने सोचा कि जाने दे, सिर्फ ग्रुप टू ही देते हैं, उसकी तैयारी हो गई है, देते हैं हाँ वही। ठीक है, फिर अराउंड रिजल्ट आने के 1-2 दिन में ही टाइम टेबल आ गया जून एग्जाम का। ठीक है, हाँ फिर सोचा ग्रुप टू की हो गई है थोड़ी, तो हाँ ग्रुप वन की थोड़ी हुई थी लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है दे डालते हैं दोनों ही, होगा तो होगा नहीं तो देखेंगे, देखे जाएगी। हाँ, मतलब आपने देखी सोचा जाएगी। नहीं कि यार होगा कि नहीं होगा, बस अपना बेस्ट दे हाँ दिया और आगे बढ़ गए। हाँ बोला कि जाने दे, 8 मतलब डिफिकल्ट होता है कि हर दिन एक एक सब्जेक्ट होता है ना एग्जाम का, बीच में गैप भी नहीं था। फिर हाँ, मतलब शुरुआत में पता नहीं था कि कैसे करूंगा, पर ठीक है डिसाइड करें कि करेंगे 8 सब्जेक्ट्स एक साथ देंगे। हाँ, फिर मैंने 8 पेजेस लिए नोटबुक के, ठीक है ठीक है हर पेज में सब्जेक्ट का नाम लिखा, ठीक है ठीक है, और चैप्टर्स के नाम और उनके जो मेन मेन टॉपिक्स है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है, ठीक मतलब है ठीक आपके है, आप कहते हैं ना मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा, वो वाले टॉपिक्स। हाँ हाँ, वो हर हर चैप्टर के लिखे थोड़े थोड़े थोड़े, और उसके आगे मैंने ऐसे ब्लॉक्स बनाए, 5 ब्लॉक्स। एक में किया था कि क्लास मतलब आपने पढ़ाया फिर वहां पे टिक किया, फिर दूसरे में फर्स्ट रिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 लिखे थे। हाँ ठीक है, अच्छा पहले तो 4 लिखे थे, बाद में 2 और डाले मैंने एग्जाम के पहले। हाँ हाँ एग्जाम के पहले वाले। फिर हाँ ऐसे हर एक टॉपिक करता गया करता गया, वो हर चैप्टर। फिर मैंने पास्ट एग्जाम अराउंड एग्जाम के 1 महीना पहले, हाँ 8 पेजेस और 4 ब्लॉक्स बनाए रहे थे हर सब्जेक्ट के लिए। फिर एग्जाम के टाइम ठीक है, रियलाइज हुआ कि इतने से काम नहीं चलेगा, और 2 बनाए हाँ, एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए। फिर ठीक है आपके ठीक लेक्चर्स है, करता था और फिर टाइम इंटरवल के साथ साथ रिवीजन भी करता रहता था। पहले अच्छा, आपने सीखे 3 दिनों बाद, फिर 1 वीक, फिर 2 वीक्स, 1 मंथ, तो उतना टाइम था नहीं मेरे पास, पर फिर भी करता था थोड़े थोड़े थोड़े। ठीक है ठीक और है ठीक है, लॉ में मतलब आपने कहा था कि कोई चैप्टर स्किप मत करना, तो पढ़ा हाँ सब वहां पर, जो अपना कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन था वो मेहनत ज्यादा मार्क्स कम, नहीं बराबर बराबर वो बराबर। अच्छा एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं किया मैंने, छोड़ दिया। अच्छा, वो रिवाइज नहीं किए। अच्छा हाँ पूरा छोड़ दिया। अच्छा अच्छा तो फिर एक दिन क्या क्या पेंडिंग, पढ़े, क्या फिर एग्जाम के समय क्या पढ़े? अच्छा बाकी सारा पढ़ दिया मतलब, तो डायरेक्टर्स, एथिक्स, इंडस्ट्रियल ठीक है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ठीक है वो ठीक बाकी है, जो तो प्रायोरिटी मतलब पहले पहले। आप, हाँ, मतलब आपने 8 पेजेस लिए, 8 पेजेस में 8 सब्जेक्ट के नाम लिखे, उसमें आपने मोटे मोटे टॉपिक्स लिखे कि भाई मुझे ये पढ़ना है, हाँ और वो करने के बाद आपने उस पे उस हर हर पेज में आपने 4 ब्लॉक बनाए कि हाँ भाई ये हाँ मेरा ये वाला टॉपिक हुआ, ये वाला टॉपिक हुआ, ये मेरा पहला रिवीजन, हफ्ते भर बाद दूसरा रिवीजन, फिर थोड़े टाइम जब मिला तब तीसरा रिवीजन, ऐसे करके ब्लॉक्स में आप अपने आप को एक क्लैरिटी देते थे कि हाँ मैंने ये कर लिया है करके, राइट? हाँ और कॉन्फिडेंस भी आपने बढ़ता था, ऐसा, हाँ जी हाँ जी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था उससे, मतलब हो गया भाई हाँ आपने ये। हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था क्योंकि टिक होते जाता था कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया करके। तो आपने ऐसे 8ों सब्जेक्ट का ये करके लिया, राइट? हाँ 8-8 सब्जेक्ट्स का किया था। हाँ, तो चलो ये तो हो गई कि जब आप एग्जाम के पहले जब सेल्फ स्टडी का टाइम होता है तब आप ये सारी चीजें कर रहे थे, राइट? हाँ एग्जाम बराबर। के वक्त, यानी कि अब क्या हो रहा है, एग्जाम पे आ रहा है, हर दिन अपने को एग्जाम की तैयारी करना, बैक टू बैक एग्जाम है अपने, तो आपने वो हाँ। वन डे बिफोर एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई थी? वन डे बिफोर के लिए पहले आपका लेक्चर देखा मैंने पूरा, 1.5 ठीक है ठीक है, की स्पीड में, अच्छा फिर वो अच्छा देखी हाँ, फिर उसके बाद मैंने जो मुझे लगता था कि डिफिकल्ट टॉपिक्स है और मैं भूल सकता हूँ, हाँ हाँ वो मैंने खुद ने किए। ओके ओके ओके,
मतलब आप एग्जाम के एक दिन पहले भी मेरे लेक्चर देखे हो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक के। हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ही बस। हाँ और उसके बाद उसको खुद भी रिवाइज किया है। हाँ जिसके मार्क्स ज्यादा है, मतलब जिससे जिसके पोर्शन मार्क्स ज्यादा ज्यादा आता है, है। करेक्ट। फिर तो जैसे ऐसा होता था कि भाई एग्जाम के लिए अपने को ब्रीदिंग स्पेस तो था नहीं क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम थे, तो हाँ मेरे लेक्चर आप बिल्कुल 1.5 में भी देख रहे हो, तो खुद के लिए हाँ फिर समय कब मिलता था? मतलब कैसे ये टाइम कैसे मैनेज की कि लेक्चर भी देखे एक दिन पहले और रिवाइज भी किए? पहले लॉ के पहले मतलब पेपर से आया मैं, अगले दिन लॉ का था, फिर हाँ घर पे आए, फिर आपकी वीडियोस देखने डायरेक्टली चालू की, फिर ठीक है ठीक देखते देखते खाना खा लिया। है। हाँ फिर रात को आपका वीडियो देख के हुआ पूरा, हाँ 2 बजे तक मैं खुद कर रहा था अपना खुद का ओके रिवीजन। ओके। मतलब आपने हाँ शाम रात तक मेरे लेक्चर का जो जो आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट लगा वो कर लिया, फिर 2 बजे तक खुद की पढ़ाई की? ठीक हाँ 2 बजे तक खुद की, फिर 2 से 5 बजे है। तक सोया, 3 ही घंटे सोया मैं। क्या 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 3 ही घंटे सोए आप? हाँ बस 3 ही घंटे सोया। ओके 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 ओके। फिर एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब एग्जाम में गए तैयारी करके, एग्जाम में कैसा लगा? मतलब बनी पेपर चीजें पेपर देख के आपका चेहरा याद आया बस। क्या था ऐसे पेपर में जो मेरा चेहरा याद आया? क्वेश्चंस जो आपने कहा थे वही आए थे भाई, वही हाँ। खुश गए। और जो पहला अटेम्प्ट था ना, हाँ हाँ उसमें 10 मार्क्स का छोड़ दिया था, मतलब टाइम ही नहीं मतलब मिला मुझे ठीक लिखने है को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब यहाँ आधे पहले पे घंटे पहले वाले में, अटेम्प्ट में 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था आपने? ठीक यहाँ आधे घंटे पहले लिख है के हो गया पूरा। ओके ओके। अच्छा ये वाले में आधे घंटे पहले लिख के आपने नमस्ते कर दिया था? फिर वही बैठा रहा, क्वेश्चंस देखता रहा और सोचा ऑप्शन हाँ वाले भी हाँ सॉल्व कर। तो क्या ठीक है ठीक है। तो चलो ये तो लॉ की अप्रोच हो गई। मैं कहूं कि ओवरऑल अगर आप छोटा छोटा एक दो टिप देना चाहेंगे बाकी सब्जेक्ट के लिए, कि बाकी सब्जेक्ट आपने सेल्फ किया, जैसे मेरा लेक्चर तो आपने रखा हुआ था, हार्दिक और मेरा जो एक कॉम्बो चल रहा था आपने वो लेके लिया था, तो बाकी सब्जेक्ट का आपने कैसे सेल्फ किया, ग्रुप टू की क्लासेस कैसे की, मतलब ओवरऑल हर सब्जेक्ट में आपने क्या अप्रोच रखी, कैसे रिवाइज किया, छोटा छोटा अगर आप बताना चाहोगे हर सब्जेक्ट के लिए तो क्या रहेगा? ग्रुप 1 से स्टार्ट करता हूँ। एक एक सब्जेक्ट, ठीक है ठीक है पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स अराउंड 80% देखे थे बस, ठीक है ठीक है ठीक है तो इम्पोर्टेंट थे वो पहले देखे। हाँ ठीक है तो उसी को मैंने रिवाइज करा था। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सब सिर्फ 1.5 घंटा देता था हर रोज, क्योंकि आठ ठीक है ठीक सब्जेक्ट थे। हाँ है फिर वही इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, बस उतना ही किया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और पास्ट एग्जाम के मतलब पेपर्स। आपने क्लासेस किया और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन किया और पेपर दे दिया? पास्ट एग्जाम के भी थोड़े थे। हाँ अच्छा हाँ, पास्ट एग्जाम के भी थोड़े किए और एग्जाम। बस। तो ऐसा कुछ हाँ होता था कि भाई कुछ कुछ ऐसा होता था ना कि कहीं कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपन अटक रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ सोचा होगा कि यार इसको एग्जाम में मैं अलग से देख लूंगा, कुछ मार्किंग की होगी जो आमतौर पर लोग करते हैं? हाँ वो 4 स्टार और 5 स्टार में उसको करता था, जो मुझे पहली बार में तो आते ही नहीं थे और समझने में हाँ टाइम लगा ठीक है ठीक है। उसको आप 4 स्टार या 5 स्टार रैंकिंग दे देते थे कि इसको तो करके जाना है करके? था। ठीक हाँ और जो है पहली बार ठीक में है आते थे ठीक है। वो देखे भी नहीं मैंने, बस सिर्फ फाइव स्टार अच्छा वाले देखे गए। ठीक है। मतलब जो आप खुद से लगा रहे थे पास्ट एग्जाम पेपर या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के, जो खुद से बन गया, ना उसकी मार्किंग की, ना एग्जाम के एक दिन पहले अपन ने उसको देखा, जो 5 स्टार 4 स्टार के जहां आपको लगा कि आप अटक सकते हो, आपने उसको अलग से देख के गया होगा एग्जाम के एक दिन पहले कि मैं दोबारा ना अटकू इसमें, बराबर है? यस ठीक है फिर नेक्स्ट। और 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिए मैंने रिजर्व रखे थे, कि पेपर को जाने से अराउंड 3 घंटे पहले करके जाऊंगा। हाँ वो जो बिग क्वेश्चन आते हैं ना इंस्टीट्यूट के, वो हाँ 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 बस एक बुक ऐसे क्वेश्चन देखोगा और उनके आंसर देखोगा, बस 20 मार्क्स वहां से हो गए। अच्छा। मतलब हर एग्जाम के एक दिन पहले जो 20 मार्क्स का जो बिट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ था उसको बस ऊपर ऊपर से देखते चले गए कि हाँ भाई यहाँ से भी चीजें बन जाएगी? वही से ही आते ठीक है थे वहां, उसको ज्यादा टाइम ही नहीं दिया, अच्छा एग्जाम 3 घंटे पहले वही अच्छा देखा। अच्छा मतलब आपने एमसीक्यू के लिए ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, आपने चुपचाप बिट क्वेश्चन देखे एग्जाम के पहले, वही देख के जाते थे और वही आ जाता था, वहीं से बन जाती थी चीजें। हाँ बस मैं फोकस ठीक मेन था वो 80 मार्क्स पे मेन।
ठीक है, तो वो 20-20 मार्क्स वहां से आपने अचीव करने की कोशिश की और बाकी फिर अपनी जो मेहनत है वो, ठीक है ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता था कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वो एग्जाम के एक महीने पहले स्टार्ट की थी, बस आधे घंटे ही लिखता था बस। अच्छा अच्छा, हर रोज आधे घंटे प्रैक्टिस करता था मैं राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब आपने पहले अटेम्प्ट में जो राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दिया था, आप रोज आधा घंटा राइटिंग प्रैक्टिस में देते थे लॉ का, कि आपको ये पता रहे कि भाई लिखना है ऐसे करके, ठीक है ठीक है। और मैं पहले अटेम्प्ट में अराउंड समझो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक मैं है उसके लिए 2 पेज लिख के रखा था, जो कुछ काम का ही नहीं था। वो बाद में क्या रियलाइज लिख हुआ रखे कि थे आप? 2 पेज भर के आंसर लिखा था। अच्छा, 5 मार्क्स का आ रहा है तो आप दो दो पेज का आंसर लिखाते थे पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि अपने को समझ में ही नहीं आ रहा कि किसका क्या लिखना है करके। ठीक है ठीक है, फिर पॉइंट्स पॉइंट्स याद आते थे, पर ऐसा फ्लो में आया हाँ तो पूरा याद था, मतलब जो काम करने ही वो भी। हाँ मतलब आप एक एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाता था, क्योंकि पता है अपने को आता सब है, 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स की जगह आप 10 मार्क्स के लिए लिखा देते उसको। यस यस, यानी कि आपको ये आइडिया नहीं था पहले अटेम्प्ट में कि भाई ये 5 मार्क्स का पूछ रहा है तो इसके अंदर कितना कंटेंट मेरे को डालना है, बस आ रहा है तो बस लिख दिया उसको। हाँ ऐसा ही हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, और उसकी वजह से आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे पूरा का हाँ पूरा। उसकी यस, दैट वाज द रीजन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो आप फिर समझ लो अकाउंट्स का हो गया, लॉ का हो गया, बाकी का आया था कॉस्टिंग और डीटी। ठीक है ठीक है। डीटी में वैसे थोड़ी दिक्कत आ रही थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, टाइम मतलब टाइम था हाँ बहुत और हाँ एक्यूरेसी कम थी, ठीक है ठीक है ठीक है कैलकुलेट करनी हो या कोई दूसरा क्वेश्चन हो थेरी क्वेश्चन उसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर उसमें मैं तो फिर उसके लिए क्या किया? पास्ट एग्जाम के पेपर देखे और उनका आंसर प्रेजेंटेशन कैसा है वो देखा था। ठीक है ठीक है ठीक है पहले अटेम्प्ट में आंसर आता था पर वो अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखता था डायरेक्टली, ना ओके कोई ओके मेंशन। ओके फिर सेकेंड हाँ अटेम्प्ट में हाँ लिखना मतलब लिखते हैं ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस 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 एकदम फ्रेम करके सेकेंड ओके अटेम्प्ट में ओके किया ठीक है वो ठीक है डीटी ठीक है। में। और कॉस्टिंग कॉस्टिंग ठीक था, ऐसे प्रैक्टिकल था वो आता हाँ, तो था। और मतलब ग्रुप टू में कुल मिला के, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ और ग्रुप टू में एक लाइव लेक्चर्स लिए थे, बस वही हाँ क्लासेस लिए थे से। अच्छा, वही मतलब से क्लासेस आपने था। 8ों सब्जेक्ट की ली थी पूरी पूरी? हाँ पर जो पहले थे वो हाँ अपने वो ऑनलाइन थे और ये ऑफलाइन थे सेकंड ग्रुप अच्छा, के। आप अपने जब आपने द सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आपने पूरी क्लासेस ऑफलाइन की सेकेंड हाँ ग्रुप की? ऑफलाइन, हाँ सिर्फ सेकंड ग्रुप की ऑफलाइन थी, फिर वहां से ओके आता था ठीक फिर ग्रुप वन की पढ़ाई करता था थोड़ी थोड़ी थोड़ी। है ठीक है ठीक है। तो कुल मिला के चीज कुछ ऐसी हुई कि ग्रुप 1, यानी कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया तो आपने ग्रुप 1 किया, वो पहले अटेम्प्ट में आपने जो गलतियां की थी वो गलतियों को आपने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो सेकेंड ग्रुप की क्लास भी की और फेस-टू-फेस की, और फर्स्ट ग्रुप के वक्त आपकी जो गलतियां थी उनको सुधारते हुए सेकेंड ग्रुप को साथ में लेते हुए जोड़ घटाओ करते हुए आज आप यहाँ पे बैठे हुए हो, करेक्ट है? एक लाइन का कंक्लूजन करें तो पहली अटेम्प्ट में गलतियां सीखी, गलतियां समझी कि कहाँ कहाँ गलती थी, उन पहली अटेम्प्ट की गलतियों को सुधारते हुए सेकेंड ग्रुप की फेस-टू-फेस क्लास करते हुए अपन आपने थोड़ा जोड़ घटाओ करके यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 31 अपन ने अचीव किया। यानी कि जो पहला अटेम्प्ट था वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से आप ऑल इंडिया रैंक में आए, बराबर हाँ ये ट्रू है, है? बहुत हाँ, सीख मिली, बहुत सीख। बहुत सीख मिली, बराबर सुन समझ पा रहा हूं मैं, क्योंकि जब जब आप एक अपनी एक टिप दे रहे हो तो हर बार आप ये रिलेट कर रहे हो कि पहले अटेम्प्ट में ना मैंने ऐसे किया था तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसे करके किया तो मेरी चीजें बन गई। तो हर पहला अटेम्प्ट जो था वो आपको हर जगह आपकी गलतियां बता चुका था जिसको आप सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा सुधार के लिए, करेक्ट यस यस है? और हाँ पहले इतने कड़े रिजल्ट आया है, इतना कड़क रिजल्ट, मतलब इतना रिजिड रिजल्ट आया, इतना कम परसेंटेज है पासिंग का, उस पे एक ऑल इंडिया रैंक लाना अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। मेरी शुभकामनाएं वापस से आपको इसके लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ओवरऑल ओवरऑल आप मतलब कुछ अपने पूरे CMA इंटर के एक्सपीरियंस से कुछ 4 बातें 5 बातें 7 बातें अगर कुछ बताना चाहते हो कि भाई आपने जो गलती की है इन पूरे जर्नी में
ताकि वो बाकी के फ्रेटर्निटी वाले, बाकी के सीएमए इंटर स्टूडेंट जो भी फाउंडेशन से आएंगे या डायरेक्ट एंट्री से आएंगे वो ना करें, तो कुछ डूज एंड डोंट्स इस जर्नी का अगर आप बताना चाहे तो। पहले तो रट्टा नहीं मारने का लॉ में, रट्टा नहीं मारने का लॉ में, ठीक है, मतलब पढ़ना ही है, समझ के पढ़ो, ठीक है ठीक है। और डीटीआईडीटी में बच्चे बहुत क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ही करते रहते हैं, वैसे नहीं, थ्योरी से ही प्रैक्टिकल निकल, थ्योरी करो। अच्छा, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल में ना जम करे डीटीआईडीटी में, पहले थ्योरी, यानी कि पहले उसका अप्रोच समझ लो, पहले थ्योरी अच्छे से कर लो, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाने से तकलीफ आएगी, आपका कहना है। थ्योरी क्लियर होगी तो ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व करने आएंगे। बराबर, सरल शब्दों में बोले तो अगर थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही प्रैक्टिकल सही तरीके से बनेगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते हो कुछ फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दो संख्या है वो भी बस है। तो पोस्टिंग फेवरेट है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, पर इस अटेम्प्ट में बहुत भयानक आया था पोस्टिंग का पेपर ग्रुप टू का, वो सीएमएफएम। हाँ, ये मैंने सुना है काफी सारे टीचर से जो हमारे साथ कॉस्टिंग के लिए एसोसिएटेड है कि इस अटेम्प्ट में कॉस्टिंग का पेपर बहुत भयानक आया था, ये बात सच है सर? बच्चे डर गए थे एग्जाम हॉल में। अच्छा, बच्चे डर गए थे। सुपरवाइजर की जरूरत ही नहीं थी, सुपरवाइजर की जरूरत ही नहीं थी क्लास में। अच्छा, किसी को भी कुछ नहीं आता था, क्या करे फिर, कॉपी भी किसका करे। आधे बच्चे हॉल छोड़ के जा रहे थे कि पेपर ही नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब बीच टाइम पे उठ के चले जा रहे थे, इतना बुरा पेपर आया था। हाँ, नहीं तो बाकी के सो रहे थे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो एमसीक्यू में ही बहुत टाइम लगा। अच्छा, एमसीक्यू में ही बहुत टाइम लग गया था। बहुत बहुत ठीक है ठीक है। तो चलो, ये तो ग्रुप वन का हो गया, ग्रुप टू का कैसा करके लिया आपने? ग्रुप टू का वो जो डीटी के लिए फॉलो के लिए, वही आईडीटी के लिए किया था, थ्योरी और उससे प्रैक्टिकल, ठीक है, वो इजी गया था। और ओएमएसएम में प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया था इस बार, पर थ्योरी अच्छी आई थी एसएम की। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या अप्रोच क्या रखा था आपने सेकंड ग्रुप में, अपना अकाउंट्स कैसा तैयारी करके लिया? हाँ, ओएमएसएम के लिए क्या? हाँ, मतलब नहीं, ओवरऑल सेकंड ग्रुप की आपने तैयारी कैसे की? बस ट्यूशन में जो पढ़ाया वो घर पे आके रिवाइज किया, और वही टाइम इंटरवल के साथ रिवीजन करता गया बस। ठीक है ठीक है। मतलब आपने ग्रुप टू में जो क्लासेस में प्रॉपर ध्यान दिया, क्लासेस में ध्यान देने के बाद समय समय में टच बनाया रहा सब्जेक्ट के साथ, छोड़ा नहीं, समय समय में रिवाइज करते रहे। हाँ, तो अपनी बात बनी रहे, मतलब अपने को तकलीफ नहीं है ऐसी अप्रोच से, राइट? यस, ठीक है ठीक है। और थ्योरी में मैं पूरा, थ्योरी में मैं पूरे कंसेप्ट रिवाइज नहीं करता था, बस कुछ पॉइंट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वही ट्रैवलिंग करते वक्त ट्यूशन में तब रिवाइज कर लेता था। ठीक है, मतलब आपने समरी नोट्स बनाए थे, वो समरी नोट्स को आप समय समय में रिवाइज करते रहते थे, तो आजू बाजू की चीजें आपको याद आती रहती थी, बराबर है? यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहते हैं कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना? क्योंकि क्या होता है, एक होता है आपको जो अनुभव हुआ है अगर आप किसी को बता दिए तो वो सीख के वो दूसरा गलती नहीं करेगा, ऐसी कुछ बात ऐसी बची है जो आप कहना चाहते हैं कि भाई इनको भी ध्यान रख के जाइएगा? ऐसी फर्स्ट तो होगी कि रात भर जगो मत। ओके ओके, फिर रात कुछ भर समझ में जगो नहीं मत, आता दूसरे मतलब दिन। नींद भी प्रॉपर लो आप। फिर अगर सोए नहीं तो दूसरे दिन कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप तो खुद भी 3 घंटे सोए थे। वो एग्जाम का प्रेशर था ना, उसमें होता है, पर अपने रेगुलर स्टडीज करते वक्त वो अच्छा मैंने एक दिन अच्छा किया था बस। अच्छा अच्छा तो अच्छा कुछ होते अच्छा ना, अच्छा रात ठीक भर है, पढ़े। ज्यादा हाँ रात भर पढ़ाई करने वाली चीज नहीं करनी है, नींद भी जरूरी है। ठीक है, और कुछ? सोशल मीडिया तो पूरा ब्लॉक करो, सारे ऐप्स। सोशल मीडिया को पूरा ब्लॉक करो क्योंकि समय बहुत खा जाएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद कितना भी यूज करो पर एग्जाम के दौरान तो नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई, सोना प्रॉपर है, सोशल मीडिया ब्लॉक कर देना है, और कुछ रिलेशन विलेशन के बारे से? और टीचर की बात सुननी चाहिए, और टीचर की बात सुननी चाहिए। ठीक है ठीक है, 3 बातें हो गई, और बस कुछ ये कहना चाहते तीन हैं? मंत्र है।
ठीक है ठीक है, ये तीन मंत्र फॉलो करो हो जाएगा प्रॉपर देना एग्जाम के समय, दूसरा सोशल मीडिया ब्लॉक कर देना, और तीसरा टीचर की बात सुन के लेना भाई, टीचर जो कह रहा है मानना पड़ेगा, राइट? यस ओके ओके, ठीक है रोहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ही सीएमए इंटर की फ्रेटर्निटी जो आने वाली है उनके लिए बहुत फ्रूटफुल सेशन रहेगा। आपको अगर और कुछ डिटेल स्ट्रेटेजी इस पे चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपन इस पे डिटेल स्ट्रेटेजी में भी आ जाएंगे। रोहन आपकी इजाजत से मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ, इजाजत है?